एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी कोमल एंड यू आर वाचिंग कोश व्लॉग्स। तो आज मैं वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम बाद बना रही हूँ एंड आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। तो यस, आज की वीडियो में हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं कि आप DI कॉलेज में स्कॉलरशिप कैसे फिल कर सकते हैं एंड जो भी प्रोसीजर होता है स्कॉलरशिप को सबमिट करने के लिए। इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड अवर वीडियो। सबसे पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ता है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप फॉर्म आप खुद से भी फिल कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफे पर आप जाएंगे तो उनसे भी आप फिल करवा सकते हैं। तो अगर आप जाते हैं उनसे फिल करवाते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है अपनी, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, ठीक है, और आपका 10th 12th की मार्कशीट हो गया, आपने कब पास आउट किया, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको उनको देनी पड़ती है जैसे कि वो आपका फॉर्म फिल करते हैं। फिल करते हैं उसकी जो फोटोकॉपी होती है वो आपको देते हैं। इस फॉर्म को आपको फाइनल सबमिट भी कराना होता है क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वो कुछ आपको कॉलेज कोड भी मांगते हैं और जब आपने एडमिशन लिया होता है वो भी मांगते हैं, वो आपको नहीं पता होता है। तो जो प्रिंट आउट उन्होंने दिया होता है फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वो कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। तो जब आप अपने कॉलेज में सबमिट करते हैं ना तो देन मैम क्या करती है ना, आपका जो एडमिशन डेट होता है वो चेंज करती है एंड कॉलेज कोड भी मेंशन कर देती हैं। जो भी चेंजेस होते हैं आपके कॉलेज से रिलेटेड जो आपने फॉर्म करते टाइम फिल नहीं किए होते हैं वो उधर चेंज कर देती हैं एंड लिख देती हैं। तो आपको फाइनल सबमिट करने के लिए फिर से साइबर कैफे जाना पड़ता है। तो जो भी चेंजेस होते हैं आप उसमें चेंज करा सकते हैं एंड आपसे कोई भी गलती पहले हो चुकी हो, जैसे आपने अपनी मार्कशीट का जो भी परसेंटेज होते हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई भी सर्टिफिकेट्स का नंबर आपने गलत मेंशन कर दिया होता है, जो भी गलती आपसे हो चुकी होती है तो आप वहाँ पर फाइनल सबमिशन करते टाइम चेंज करा लो। क्योंकि स्कॉलरशिप में क्या होता है ना, इतनी इतनी सी गलती देखी जाती है एंड आपको स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। अब तक बात हो गई, आपने करेक्शन करा दिया है एंड आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। सबमिशन के बाद आपको ना वो फिर से एक और फॉर्म देते हैं, सबमिशन वाला फॉर्म देते हैं आपको, उसकी आपको दो कॉपी निकलवानी है, ठीक है, या फिर आप उसको फोटो स्टेट करा सकते हैं। तो गाइज आप ना उस टाइम पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ना फोटो कॉपी करा लो, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी पासबुक हो गई, आप जैसे 10th 12th की मार्कशीट हो गई, फीस स्लिप हो गई, आपके प्रीवियस सेमेस्टर की फीस स्लिप हो गई, आप जो सेमेस्टर कर रहे हो उसकी फीस स्लिप हो गई, और आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपका जो एड्रेस प्रूफ है उन सबकी फोटो कॉपी आप करा लो। दो दो करा लेना क्योंकि दो सेट बनते हैं कॉलेज में, ठीक है। दयालबाग में आपके दो सेट बनाए जाते हैं जिससे कि एक मैम रखती हैं अपने पास, एक आपके पास रहता है, या फिर वो ऐसा भी करती है दोनों सेट वो अपने पास भी रख लेती है, ऐसा भी होता है। सर्टिफिकेट हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया ना, इन सब तीनों ना ऑनलाइन कॉपी भी लगानी पड़ती है। पिछली बार तो ऐसे ही हुआ था, बार मतलब सारे ईयर ना चेंज होते जाते हैं, बट मैं पिछली बार का आपको लोगों को बता रही हूँ कि आपको अपनी ऑनलाइन कॉपी भी लगानी पड़ेगी। तो आप इन तीनों की ना ऑनलाइन कॉपी निकलवा दीजिएगा, वही लोग निकाल देंगे क्योंकि आपका इनकम सर्टिफिकेट हुआ उसके ऊपर ना आपको एक नंबर मेंशन होता है, एक वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे तो आपको गूगल कॉपी निकाल के, मतलब ऑनलाइन कॉपी निकाल के दे देगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दो दो कराने हैं, तो सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये सेम ही होते हैं। तो ठीक है, देन आप लोगों को अपने कॉलेज में सबमिट करना है मैम को। जो भी मैम लेती हो स्कॉलरशिप फॉर्म, सभी फैकल्टीज की अलग अलग होती हैं, तो आप उनको सबमिट कर दीजिएगा। आपको एक वो गूगल लिंक देंगी, वो देंगी या फिर आपकी प्रॉक्टर मैम देंगी, तो प्रॉक्टर से आप अपनी गूगल लिंक ले सकते हैं। गूगल लिंक में प्लीज़ गाइज गलती मत करना क्योंकि पिछली बार ना मेरे से ऐसे ही हुआ था कि मैंने अपनी गूगल लिंक पे ना 12th का जो मेरा रोल नंबर था ना वो मैंने गलत डाल दिया था, जिसकी वजह से मेरे को ना स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। प्लीज़ गूगल लिंक जो आप लोगों को मिले उस पर आप अपनी सही इन्फॉर्मेशन भरना, वही सब चीज़ें पूछते हैं आपसे, आपका स्कॉलरशिप नंबर पूछते हैं, ठीक है, आपका 10th 12th की मार्कशीट का नंबर पूछते हैं, रोल नंबर पूछते हैं, कितने परसेंटेज आए थे, UP बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से किया है, किसी सेम एंड ऑल, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो आप अच्छे से फिल कर देना, ध्यान से फिल कर देना, देन आपको टीचर को दे देना है अपना स्कॉलरशिप फॉर्म एंड यू आर डन विद द प्रोसेस। गाइस अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।